ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जीवन में अगर परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आ रही है, चाहे वो रोजगार हो, काम हो, परिवार हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आज आपको कुछ विस्तार पूर्वक मैं चीज़ें साझा करने वाला हूँ जो आपकी इन परेशानियों में बाहर निकलने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, सबसे पहला और मूल काम है कि जब भी हम परेशान हो तो हमें किसी प्रकार से हताश और निराश नहीं होना है। एक हताश और निराशित व्यक्ति कभी भी अपने हालातों से अच्छे से नहीं लड़ पाएगा, और जब अच्छे से नहीं लड़ पाएगा तो कभी उसकी जीत नहीं होगी। दूसरी गलती ये करें कि बहुत ज़्यादा किसी भी विषय को लेकर ओवर थिंक या बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दें। आप जितना सोचोगे उतनी आपकी परेशानियाँ बढ़ना शुरू होगी और आप अपने लाइफ में तकलीफें देखना आपको शुरू हो जाएगी। बहुत से लोगों के मन में तीसरी जो चीज़ें शुरू हो जाती है, अज्ञात डर शुरू हो जाता है। एक डर, ऐसा डर कि यह चीज़ हो जाएगी, ये ऐसा कर देगा, वह वैसा कर देगा, कहीं ऐसा हो गया तो जो क्वेश्चन मार्किंग डर जितने सारे हैं, वो डर उन्हें बहुत डरा देते हैं और वो सहम जाते हैं, उन्हें रात की नींद नहीं आती, वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, उनके मन में बहुत अविश्वास पैदा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कभी भी आप आ सकते हैं। उसका एक ही कारण है, आपके मन में जो डर चल रहा है ये झूठ है, ऐसा जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में भी बताई है, ये तीनों पॉइंट राहु से जनित प्रक्रिया से जुड़े हैं। राहु की खासियत है, वो एक छाया ग्रह है। राहु की खासियत है कि इस तरह के भ्रम, इस तरह का इल्यूशन, इस तरह की परेशानी, इस तरह की तकलीफ एक व्यक्ति के जीवन में आना और उस जीवन को बहुत ज़्यादा भय से भर देना। तो अगर बहुत ज़्यादा भय हो रहा है आपके जीवन में तो राहु कहीं ना कहीं आपके जीवन में ख़राब है। राहु का शांति कराए, राहु के जप कराए, राहु की पूजा कराए, राहु का पाठ कराए, और राहु के लिए एक विशेष रूप से एक गुप्त पूजा जो होती है वो ज़रूर रूप से आपको करानी चाहिए। अगर वो पूजा आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आए, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। और इस चीज़ इस तरह की जो परेशानी, इसमें आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल सकती है सकारात्मक वे में। दूसरा जो तरीका है कि हम जिस परेशानी में हैं उस परेशानी के लिए हमें कुछ हल और कुछ उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। सबसे पहला हल और उपाय आपको करना है कि आप अपने घर में आपको स्वयं को गुरु मंत्र लेना होगा। अगर नहीं है गुरु मंत्र तो ओम नमः शिवाय को अपना गुरु मंत्र मानकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप नियमित करना होगा। दूसरा है कि अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करना होगा, अमावस्या पूर्णिमा को करें, स्वयं कर सकते हैं, स्वयं करें और नियमित रूप से करें। तीसरा है गीता का वाचन शुरू करें। गीता आप सुबह शाम दो वक्त पढ़ें, एक अध्याय नियमित पढ़ने की अपनी आदत डालें और जितना हो सके उतना खुद को मंत्र जप की ओर ढालें। आप जितना मंत्र जप करेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें और ख़राब हो रही है और ख़राब होगी। तो डरना नहीं है, हारना नहीं है, मंत्र जप को अपने पावर बनाए, शक्ति बनाए। अब बहुत से मन के लोगों के मन में ये तर्क उठता है कि मंत्र जप से क्या होगा, महाज मंत्र जप देने से सब चीज़ें तो नहीं हो पाएगी। जब आप मंत्र जप करेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से अनुभव होगा एक पॉजिटिव एनर्जी का। आपको स्वाभाविक रूप से ये भी अनुभव होगा कि मंत्र जप हमारे आसपास एक इस तरह का वैक्यूम क्रिएट करेगा पॉजिटिविटी का, कि जो स्वाभाविक रूप से जो चीज़ें हमारी नहीं हो रही है उन सभी कामों में तेजी आएगी और हमारे काम अनायास बनना शुरू हो जाएगी। हमारा जैसे घर में आकर मन नहीं लगना, मन बेचैन होते रहना, दिमाग में बहुत ओवरथिंक होना, बहुत नेगेटिव फील करना, लोगों से लड़ाई झगड़ा होना, लोगों के बीच ट्यूनिंग नहीं हो पाना, हमारी किसी से नहीं बन पाना, ये जितनी सारी परेशानियां हैं इन सब से आप बहुत कम समय में बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। बस शर्त है जो जो चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपके साथ आगे साझा किए इन पर अपना ध्यान दे, इन पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर थोड़ा सा वर्क करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जितनी सारी परेशानियाँ बाधाएं जिनसे आप बहुत परेशान हैं उनसे आप बाहर जल्द से जल्द निकल आएंगे। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको कहीं भी कुछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ एक और निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात जरूर करें, शायद आपकी किसी समस्या का सकारात्मक समाधान ज़रूर मिलेगा। नोट ये बात याद रहे, हम सिर्फ पूजा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अगर इस तरह की चीज़ें लेकर आता है कि व्यसीकरण और तमाम चीज़ें, एक नेगेटिविटी, किसी को वश में करना, ये चीज़ें हम नहीं करते और इनके हम खिलाफ़ हैं। और आपसे भी एक निवेदन है कि इस तरह की सब तरह की मेंटालिटी से बाहर निकले, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। केवल सकारात्मक कर्मों से, पॉजिटिव कर्मों से, पॉजिटिव पूजा से, सकारात्मकता से, मंत्र जप से, ईश्वर की आराधना करने से ही जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। अन्यथा जितनी सारी चीज़ें हैं मैं उन सबके लिए आपको सावधान करने के लिए कह देता हूँ, इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय।